तो वेलकम टू मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन महाराष्ट्र कोकनकाडा, जो पड़ता है हरीशगढ़ टेम्पल से जस्ट 1 किलोमीटर पीछे। तो आज भी मैं रियल वाला एडवेंचर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो कोई मुझे दिख नहीं रहा। इस ट्रेक में ना हर एक मौसम का सामना होगा आपका, कभी बारिश भी हो जाएगी, कभी ठंड भी लगेगा। तो आज की शुरुआत कुछ ऐसी खूबसूरती के साथ हुई है, जैसे कि मैंने वहाँ पर कैंप लगाया है और साइड में गणेश भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है। लेकिन हाँ, आप देखो मैं कहाँ पर रुका था। तो मैं यहाँ पर रुका था और यहाँ पर रुकने के बाद मेरा प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। आज सोच रहा हूँ कि आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं यहाँ कोकनकाडा है वहाँ जाकर आज फिर मैं स्टे करूँ, क्योंकि इतना मेहनत करके जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे एक दो दिन और स्टे करना चाहिए। वो सामने आप मंदिर देख रहे हो, वही मंदिर है हरिश्चंद्रगढ़ टेम्पल, और उसी के साइड में वो वाला मंदिर था जिसे चारों युगों का मंदिर बोला जाता है। ये देखो, ये इधर रुका हूँ मैं, और ये गुफा है, ये काटकर ही बनाया गया है पत्थरों को, पहाड़ों को। तो अभी देखो, अभी क्या है कि सुबह सुबह का टाइम है ना, तो एक भी आपको टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहे। वहाँ पे दो चार लोग दिख रहे हैं जो उनका घर है। वो जब ऐसा ट्रैवल करना है ना कि कोई प्लान नहीं है कि कितने दिनों में जाना है, तो जहाँ ऑप्शन मिले ना वो ले लेना चाहिए। तो पीछे दिख रहा है ना झरना, मैं यहाँ पर नहाने वाला हूँ। ये पानी कोई बारिश का पानी नहीं है, ये पानी पहाड़ों का पानी है, जो पहाड़ों से रिस के निकलता है ना वही पानी है। तो अगर आप भी हरिश्चंद्र टेम्पल आते हो ना या ट्रेक पे आते हो तो आप यहाँ पे आगे एक बार जरूर नहाना, क्योंकि देखो मंदिर के सामने एक तालाब है, वहाँ भी लोग नहाते हैं दर्शन करने से पहले। तो वहाँ भी नहा सकते हो, यहाँ भी नहा सकते हो, दोनों फ्रेश वाटर है, क्योंकि यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो पूरा धूप निकला हुआ है। ये जो पानी होता है ना, ये पत्थरों से निकलता है, जो रिस के पानी आता है ना वो ये पानी होता है। और ये पानी यहाँ के जो लोग रहते हैं इस पहाड़ के ऊपर वो पीते भी है, जैसे हम भी कल से पी रहे हैं। तो बिस्लेरी से भी शुद्ध पानी होता है ये। तो बहुत ही अच्छा लगा यार यहाँ आके दर्शन करके, और ऐसा खूबसूरत जगह सच में महाराष्ट्र में है तो एक बार जरूर आना चाहिए। ट्रेक स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग यहाँ से पानी वानी भर लेना, मैं अभी जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। इस जगह पे आप आइएगा ना तो छोटे बड़े बहुत सारे आपको मंदिर दिखेंगे, ऐसे हर एक जगह आपको शिवलिंग ही दिखेगा, लेकिन सब कुछ टूटा हुआ दिखेगा, क्योंकि इस जगह को बहुत तोड़ा गया, मुग़लों के समय भी तोड़ा गया, ब्रिटिश जब आए उस समय भी तोड़ा गया। तो इतने कष्ट सहने के बाद ये कहीं ना कहीं अभी भी मंदिर खड़ी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये मंदिर है। और मंदिर के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे नंदी जी मिल जाएंगे। देखो नंदी जी का भी तोड़ा गया है फेस, और ये शिवलिंग है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सामने भी नंदी जी हैं, उनका भी आगे का फेस तोड़ दिया गया है। इतना आश्चर्यजनक टेम्पल है ना कि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे कोई साधु रहा करते थे, वो फ्यूचर जानते थे ऐसा बताया जाता है, क्योंकि वो जब समय था वो तो इतना एडवांस भी नहीं था, लेकिन वो उस समय अभी के बारे में जानते थे। तो उनको ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ना, ये लकड़ी का दरवाज़ा नहीं है, ये दरवाज़ा पत्थर का दरवाज़ा है। तो ये मंदिर पत्थर के दरवाजे से बंद किया गया है। ये देखो, ये मंदिर है और मंदिर का दरवाज़ा जो है ना पत्थर से बंद किया गया है। तो इस मंदिर का दरवाज़ा पत्थर से बंद है। पहले मैं पानी ले लेता हूँ, देखो यहाँ से भी पानी ले सकता हूँ और पानी यहाँ से भी ले सकता हूँ। ये देखो इतना साफ पानी, इतना क्लीन लग नहीं रहा इसके अंदर पानी भरा है मैंने। तो चलो पानी ले लिया, अब यहाँ से भगवान का नाम लेके आगे का ट्रैक स्टार्ट करते हैं कोकनकाडा का। चलो निकलते हैं आगे की तरफ। पहला ट्रैक,
हर एक कदम ना कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है ये, वहाँ से 1.2 किलोमीटर यानी ये घंटे लगेंगे ये ट्रैक कंप्लीट करने में। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि मैं सिंगल हूँ। टाइम बता दूँ 11 बज रहा है। तो आज भी मैं रियल वाला एडवेंचर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो कोई मुझे दिख नहीं रहा। और जब ऐसे पहाड़ों में जंगलों में निकलते हो ना तो रास्ता खोजना मुश्किल हो जाता है। मैं इधर से आ रहा हूँ और देखो इधर भी रास्ता जा रहा था, इधर भी रास्ता जा रहा था। लेकिन हाँ, आप इस बात का ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे रास्तों में कपड़े बांधे गए हैं जिससे आप जा सकते हो ऐसे ऐसे। तो मुझे इधर जाना है, अगर किसी ने गलती से बांध दिया होगा ना तो मैं कंफर्म है खो जाऊंगा। लेकिन नहीं, ऐसा लोग इधर नहीं करते हैं। चलो चलते हैं आगे, यही रास्ता है। क्योंकि ये देखो गुटखा वगैरह लोगों ने फेंक रखा है, इसका मतलब इंसान जाते हैं इधर। इस ट्रैक में ना हर एक मौसम का सामना होगा आपका, कभी बारिश भी हो जाएगी, कभी ठंड भी लगेगा और कभी कुछ ऐसा कोहरा भी छा जाएगा। तो ये देखो अभी यहाँ पे मैं रुकूंगा क्योंकि रास्ते अभी मुझे उतना दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तीन चार यहाँ से रास्ते हैं। इधर भी देखो उधर भी रास्ते जा रहा है और यहाँ से भी इधर भी एक जा रहा है। तो थोड़ा सा क्लियर हो गया, फिर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन खूबसूरत है, खूबसूरत है। वहाँ तक आना तो यहाँ भी आना। ये देखो इधर से आ रहा हूँ और इधर जाना है। सामने कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, मैं बताता हूँ क्या दिख रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे एक झोपड़ी है। कितना नज़दीक होगा भाई? 10-20 मीटर भी दूर नहीं है, फिर भी नहीं दिख रहा। सो फाइनली यार, वेलकम टू कोकनकाडा। और मैं पहुंच चुका हूं कोकनकाडा। और ये आप जो पीछे देख रहे हो ना, यही एरिया है कोकनकाडा का। और एक और ये देखो, कोई नहीं है मेरे सिवा, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है कि फॉग है, इसके आप साइड में देख रहे हो ना, फॉगी फॉग है। और ये कैसा दिखता है आपको मैं थोड़ा सा क्लिप एक डालूंगा, वैसा ही दिखता है अगर ये फॉग ना रहे तो। मेरे हाथ में जो है ना ये कुछ जादू दिखाने के लिए है, क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा गहरा है ना ये कि हवा का प्रेशर इसको नीचे गिरने नहीं देगा। अब देखो मैं छोटा सा पहले फेंकूँगा, ये वाला फेंकता हूँ, देखो वो नीचे चला गया यार। हवा का प्रेशर बहुत ही कम है। ये 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 देखो, ये जादू है, ये देख रहे हो ना, ये जादू है, वो उसको नीचे जाने ही नहीं देगा, साइड से गिर गया। लेकिन बादलों के बीच में कभी हवा इधर से आ रही है तो कभी हवा इधर से आ रही है, तो दोनों तरफ से फॉग है। लेकिन इधर से सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। देखो लोगों ने ना सब फेंक रखा है। चलो थोड़ा कैमरा आगे करते हैं। ये देखो ये क्या है, इधर कुछ दिख रहा है? कुछ ना है भाई, पूरा खाई है ये, ऐसे ही है पूरा। तो चलो यार वापस का ट्रैक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुकने का प्लान था लेकिन रुक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे दो चार झोपड़ी है ना उसमें एक आदमी नहीं है भाई। बहुत ही खूबसूरत है नो डाउट, लेकिन अभी के लिए अभी खूबसूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग है और ये फॉग हमेशा के लिए अभी है। तो चलो यार निकलते हैं, अच्छा लगा इतना दूर आके। बाय 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 कोकनकाडा। इतने सारे झोपड़ी तो है लेकिन झोपड़ी को चलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि झोपड़ी टूट गई है, ये देखो ये झोपड़ी टूटी हुई है। सामने दो चार और झोपड़ी है, सारे के सारे खाली, एक भी नहीं है अभी। ऐसे लग रहा है ना भूतिया प्लेस है। तो मैं वापस आ चुका हूँ और नीचे अभी उतरना है, लेकिन अभी ज़्यादा धूप है तो मैं जा नहीं रहा।
लेकिन अभी मैं कुछ खाया नहीं हूँ सुबह से, तो मैं बता दूँ यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे घर है, दो चार घर है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो मैंने इन भैया को बोला कि क्या मिलेगा, तो इन्होंने बताया कि मैगी मिल जाएगा और पोहा मिल जाएगा। तो मैंने बोला पोहा बना दीजिए। अब बताओ पोहा बनाने के लिए इन्होंने आग जलाया है, पूरा धुआं धुआं निकल रहा है। रेडी हो गया भैया? ओके, अपना पोहा रेडी हो चुका है। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू, कुछ तो मिला खाने के लिए। तो ये रेडी हो गया है पोहा अपना। ये पहली बार मैंने देखा कि फॉग निकल रहा है ज़मीन के अंदर से, जैसे जैसे धूप निकल रहा है ना, तो ये मिट्टी गीली है तो ज़्यादा फॉग निकल रहा है इधर से। मिलेंगे भैया फिर कभी? ठीक है। आपका नाम? विष्णु। विष्णु, चलो भैया भैया यहाँ पे थे, थोड़ा सा पेट पूजा हो गया। थैंक यू भैया। तो पीछे पीछे कालू है जो छोड़ने जा रहे हैं मुझे। ये भैंसिया मुझे सुबह से देख रही है ऐसे ही। ओ तेरी गाय, इसके सींग देख रहे हो कितने बड़े बड़े, और इधर दो प्यारी प्यारी गाय। तो ये मंदिर था, हम मंदिर के साइड में ही जैसा बताया है कि वो वाला मंदिर है चार पिलर वाला, तो ये गुफा के अंदर है। ये वो मंदिर है, देखो चार युग है ना, तो चार पिलर यहाँ पे और पूरा छत एक पिलर पर टिका हुआ है। तीन युग ख़त्म हो चुका है, यानी तीन पिलर भी टूट चुका है, एक वहाँ वाला पिलर, ये वाला और ये वाला। ये जो बचा है ये कलयुग बचा है। चार युग है ना, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, ख़त्म हो गया तीनों, चौथा बचा है कलयुग, जिस पिलर पर लिखा हुआ है राम जी का नाम। तो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बड़ा शिवलिंग भी है बीचों बीच, और यहाँ दर्शन करने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो देखो आप भी आते हो ना तो इसमें स्नान कर सकते हो, और देखो लड़के वहाँ तक चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये सारे के सारे यहाँ पे निहाने वाले हैं। चलो मिलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो यार निकलते हैं यहाँ से। गुफा है ना जो मंदिर है, शिवलिंग है, पूरा गुफा के अंदर है।